कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय दल को नर्मदा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई क्षति का निरीक्षण करवाया। बाढ़ से करीब 10,000 करोड़ की क्षति का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह थी, जिसकी भरपाई अकेले राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापक राहत पैकेज की मांग की है। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल प्रदेश के दौरे पर आया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक के बाद दल के सदस्य क्षति का आकलन करने के लिए मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। हरदा जिले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय दल को बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने हंडिया के मालकोंड गांव जाकर मकानों और सड़कों की स्थिति दिखाई। नर्मदा में उफान से हरदा सहित कई जिले 28 से 30 अगस्त तक पानी से घिरे रहे थे और जब पानी उतरा तो पीछे केवल तबाही छूट गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इसके पहले वर्ष 1961 और फिर वर्ष 1973 में बाढ़ आई थी, इसके बाद अब बाढ़ आई जो पहले से भी ज्यादा विकराल थी। नर्मदा ने तट पार कर गांव के गांव पानी में समा लिए। इस बाढ़ से फसलें चौपट हो गई, इसके साथ ही मकान, सड़क, पुल, पुलिया तक बह गए। बाढ़ से आम लोगों के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। केंद्रीय दल ने नुकसान को देखा है। कमल पटेल ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बाढ़ से राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है, राज्य सरकार अपने अकेले के दम पर इसकी भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों के साथ हैं, उन्हें तात्कालिक राहत दी जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज दिए जाने की जरूरत है। मंत्री कमल पटेल ने इसके साथ ही उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस संकट का सामना कर लेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से ही फसलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा गया। प्रदेश में मरी फसल का बीमा करवाकर किसानों को बचाए रखने की कोशिश की गई है, ताकि वह देश के लिए कृषि कार्य करते रहे। देखिए 61 में आई थी भयंकर बाढ़, 73 में आई उसके बाद, और 73 के बाद अब आई है 2020 में। तो ये 73 और 61 की बाढ़ से भी ज्यादा पानी खतरनाक आया। नर्मदा ने किनारा छोड़ा, वो पूरे क्षेत्र में जलमग्न हो गया। सड़कें देखिए आपने कैसी उखड़ गई, पुल पुलियाएं उखड़ गए, मकान बह गए और फसलों को बहुत क्षति हुई है और घरों में भी क्षति हुई है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जनता के और गरीबों के, किसानों के लिए, उनको सुरक्षा कवच देने के लिए नियमों के तहत, आरबीसी 6-4 के तहत, और बीमा की हमने सुरक्षा दी, बीमा की तारीख बढ़ाई। हमने बीमा की कभी भी नहीं हुआ आज तक इतिहास में रचा है कि मरी फसल का बीमा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक किया, गांव गांव कैंप लगाए और इसलिए फसल का बीमा कराया हमने बाद में 7 तारीख तक, ताकि किसान को कुछ क्षति की पूर्ति हो सके, क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन और सब्जी और दूध मिलेगा। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया, अब खेती कहां से करेगा जब कुछ बचे ही नहीं उसके पास, तो देश का क्या होगा। इसलिए किसान देश के लिए कर रहा है, इसलिए हमने भारत के प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने मांग की थी और केंद्रीय दल आया। आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक ली, समीक्षा की और लगभग मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी प्रारंभिक आकलन में, और इसलिए हमने केंद्रीय दल से मांग की थी भारत सरकार से, और गृह मंत्री जी ने, और उन्होंने केंद्रीय दल भेजा। हमारे मीना जी दिल्ली से आए हैं और तिवारी जी हैं, इनको निरीक्षण कराएंगे और हरदा जिला, देवास जिला और बाकी जगह सब जगहों में जाएंगे और क्षति का आकलन करके भारत सरकार से हम स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे, ताकि हमारे गरीबों को, किसानों को हम सहायता दे सकें। वैसे तो प्रदेश सरकार जितना हमसे बनेगा देंगे ही नियमों के तहत, लेकिन विशेष क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है, सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है, सड़कों की क्षति हुई, पुल पुलियाओं की, फसलों की, मकानों की, सामान की, और इसलिए इन सब की क्षति की पूर्ति अकेला मध्य प्रदेश नहीं कर सकता, तो भारत सरकार करे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार तत्परता से यह टीम भेजी, दल भेजा है, इनकी रिपोर्ट जाने के बाद मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज मिलेगा।